मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड मॉर्निंग, और मैं हूँ अपने गार्डन में और सुबह सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ एक नया पौधा जो कि फ्लावरिंग किया है फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में। इस पौधे का नाम है ब्लीडिंग हार्ट, जो कि मैंने अपनी फ्रेंड वंदना के यहाँ से लाई थी और लगाया था। वंदना ने कहा था कि एक साल बाद इसमें फ्लावरिंग होगा, बट आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर बर्ड्स भी आ रहे हैं और ऑलरेडी फ्लावरिंग कर रहा है मेरा पौधा। बिल्कुल छोटा सा पौधा है और फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग कर रहा है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को मेरा गार्डन बहुत अच्छा लगता है और ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें वाइट के साथ रेड भी है, आप देख सकते हैं छोटा सा रेड फ्लावर निकला है वाइट के बीच में और बिल्कुल छोटा सा पौधा है और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। और इधर गार्डन में और भी बहुत सारे रोज़ खिले हैं, जैसे ये पिंक वाला रोज़ और ये है चिरीमिरी का पौधा और ये भी बिल्कुल रोज़ जैसा ही लगता है। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, रेड कलर का है और रोज़ जैसा ही लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी क्योंकि काफ़ी रोज़ आए हैं अभी मेरे गार्डन में, पिंक रेड और ये वाला जो रेड कलर है ये बहुत ही खूबसूरत है। आज पूरा खिल गया है रोज़, कल कली जैसा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये भी एक रेड रोज़ है, तो अभी अच्छे खासे रोज़ आ रहे हैं। बारिश थोड़ी रुक गई है इस बीच, तो अभी फ्लावरिंग बहुत अच्छा से हो रहा है गार्डन में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी है और साथ साथ फ्लावर भी आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको कुछ और फ्लावर दिखाती हूँ, जैसे ये कसमस का फ्लावर, तो कसमस भी अब फ्लावरिंग करने लगा है मेरा, तो ये भी एक दो करके डेली खेल रहे हैं। तो अभी गार्डन में अच्छा खासा फ्लावर है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक ये वाला भी खिला है और भी रोज़ खिले हैं, रोज़ काफ़ी खिल रहे हैं अभी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी गार्डन में। पिंक रोज़, रेड रोज़ बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं अभी और इस तरह से लग रहा है मेरा पूरा गार्डन। अभी बारिश के दिनों में थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा हो गई है। इस साइड भी पिंक रोज़ आया है और येलो रोज़ भी खिले हैं, ये रहा मेरा येलो रोज़। तो अभी सुबह सुबह की धूप आ रही है और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह में मेरा गार्डन। और अभी मेरी सासू माँ ब्रेकफास्ट कर रही हैं। सासू माँ की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अभी बिल्कुल ठीक हो गई हैं और नॉर्मल डाइट भी लेने लगी हैं। जब वो बीमार थी तो कुछ भी नहीं खा पा रही थी, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बट अभी मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल नॉर्मल डाइट ले रही हैं और उनको अच्छा भी लग रहा है, खाने वगैरह का टेस्ट भी आ रहा है, क्योंकि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी वो बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो ठीक हो चुकी हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर घर में कोई बीमार रहे। तो अभी मेरी सासू माँ ठीक हैं, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ अपनी सासू माँ को कि अभी वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। और जब मेरी सासू माँ बीमार थी तो मैंने वीडियो में डाला था कि वो बीमार हैं, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे विशेस भेजे उनके लिए, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों की दुआ की वजह से मेरी सासू माँ अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और मुझे भी नी पे लगा था, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और अभी हम दोनों सासू माँ और मैं गपशप कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा, गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम है और जस्ट मैंने बाल बाल झाड़ लिया है और अभी जस्ट जा रही हूँ शाम का नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ते में बन रहा है सूजी का हलवा, तो अभी जा रही हूँ बनाने क्योंकि किशन को बहुत मन हो रहा था आज सूजी का हलवा खाने का। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी जो नी की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है और अब रेगुलर वीडियो डालूंगी, बट उसके दूसरे दिन ही मुझे हल्का फीवर आ गया और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, आप देख सकते हैं।
मेरे होठों के ऊपर में यहाँ पे रैसेस हो गया था और काफी फूल गया था। अभी थोड़ा सा ये ठीक हो गया है तो मैं सूट कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे अनइजी लग रहा था ये सूट करने में, क्योंकि बोलने में भी दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा। ये जो रैसेस था ये बड़ा हो गया था और ब्लीडिंग भी हो रही थी इसमें से, तो थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फीवर भी ठीक हो गया है। सीजनल इफेक्ट था शायद, इस वजह से हल्का सा फीवर आया था और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं कुछ सूट नहीं कर पा रही थी। और मेरी सासू माँ भी अभी ठीक है, तो आप सब कैसे हैं बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं, और चलिए बनाते हैं शाम का नाश्ता। और नाश्ता बनाने से पहले मैं सारे कपड़ों को पहले समेट लूँगी, क्योंकि सारे कपड़े सूख गए हैं। आज धूप था बाहर, सारे कपड़े सूख गए हैं, और शाम को सारे कपड़े अंदर कर लिए हैं। अभी सबको फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। और किशन रेस्ट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, ऑफिस के फ्रेंड से। और किशन आज ऑफिस से आते टाइम मछली लेकर आए थे, तो अभी नहीं बनाऊंगी, डिनर में नहीं बनेगी मछली। इसको फ्राई करके रख दूंगी फ्रिज में, और कल दोपहर में बनाऊंगी, क्योंकि आज अभी इडली बनाया है डिनर के लिए। सांभर और चटनी बन चुका है, जस्ट इडली बनाना है, तो इस वजह से अभी मछली नहीं बनाऊंगी, ये दोपहर में बनेगा कल। और बस इसको फ्राई करूंगी और इडली को बना लूंगी, तो मेरा डिनर भी रेडी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद मेरा जो इडली है वो बन चुका है, और हम सब अभी डिनर करेंगे। और हम सबका डिनर हो गया है, तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करना चाहूंगी। तो इस तरह से रहा मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।